गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको व्यवसाय अध्ययन या BM पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय, ये अध्याय चल रहा है। कल हमने बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा के बारे में पढ़ा था, जिसमें केंद्र और राज्यों के अंश से संचालित बीमा पॉलिसियों का हमने अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त हमने बीमा एजेंट के बारे में भी पढ़ा था। तो बीमा एजेंट को हम एक बार पुनः पढ़ेंगे, और उसके बाद में बीमा एजेंट के अर्थ, उसके कार्य, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बच्चों कल बताया था, एक बीमाकर्ता के बीमा व्यवसाय की सफलता का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वो समाज में कितना लोकप्रिय है, उसकी कितनी विश्वसनीयता है। वो समाज में बीमित को उसकी मृत्यु, उसकी वृद्धावस्था, उसके बेरोजगार होने या अन्य लाभ दे रही है या नहीं दे रही है, या बीमा कंपनी के उत्पाद है वो कितने लोकप्रिय हैं, वो कितनी मात्रा में लोग उसे खरीद रहे हैं। तो जैसा आपको पता है, वर्तमान में तकनीकी युग है, वर्तमान में बीमा कंपनी के द्वारा संपादित जो ग्राहक है वो दूर दूर तक फैले हुए, दूरस्थ स्थान पर बिखरे होने के साथ साथ बीमा कंपनी के जो संपादित ग्राहक हैं वो दूरस्थ स्थानों पर बिखरे होने के साथ साथ बीमा कंपनी अनेक योजनाओं के द्वारा बीमितों को अनेक बीमा उत्पाद की सुविधा प्रदान कर रही है। तो बीमा कंपनियां हैं, वर्तमान में बीमा कंपनी अनेक योजनाओं के द्वारा अपने बीमितों को अनेक बीमा उत्पाद की सुविधा है वो दे रही है। ऐसी स्थिति में एक बीमाकर्ता द्वारा और उसके प्रत्येक बीमित के बीच संपर्क रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बीमा कंपनी और बीमित के मध्य जो संपर्क कड़ी का काम है वो एजेंट करता है। तो एजेंट कौन होता है? तो बीमाकर्ता और बीमित के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता होती है, और मध्यस्थ क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। बीमाकर्ता और जो बीमित है उसके बीच संपर्क कड़ी का कार्य है, उस संपर्क कड़ी के कार्य को करने वाला व्यक्ति ही बीमा एजेंट, बीमा अभिकर्ता कहलाता है। पुनः अच्छे से सुन ले बेटा, एजेंट का अर्थ क्या है? बीमाकर्ता। एजेंट कौन होता है? बीमाकर्ता और बीमित के मध्य मध्यस्थ की भूमिका, मध्यस्थ का कार्य करने वाला व्यक्ति बीमा एजेंट कहलाता है। तो बीमाकर्ता और बीमित के मध्य मध्यस्थ का कार्य करने वाला व्यक्ति बीमा एजेंट कहलाता है। बीमा एजेंट कौन होता है? बीमाकर्ता और बीमित के मध्य मध्यस्थ की भूमिका, मध्यस्थ का कार्य करने वाला, मध्यस्थ का कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होता है? बीमा एजेंट होता है। तो बीमाकर्ता और बीमित के मध्य, बीमाकर्ता और बीमित के मध्य जो संपर्क सूत्र है, जो संपर्क कड़ी है, जो संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है, उसे हम बीमा अभिकर्ता, बीमा एजेंट कहते हैं। एक बीमा एजेंट और एक सामान्य एजेंट में बेटा बहुत अंतर होता है। एक बीमा एजेंट है जो बीमित और बीमाकर्ता के बीच संपर्क कड़ी या मध्यस्थ का कार्य करता है, जो बीमाकर्ता के द्वारा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, बीमा पॉलिसी को बीमित में या संभावित ग्राहक में लोकप्रिय करता है, उसे प्रेरित करता है बीमा पॉलिसी के बारे में, और बीमित और बीमाकर्ता के बीच में अभिकर्ता या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसे हम अभिकर्ता या एजेंट कहते हैं। तो
ऐसे व्यक्ति को हम अभिकर्ता या एजेंट कहते हैं। बीमा एजेंट और एक सामान्य एजेंट में भी बेटा बहुत अंतर है। सर्वप्रथम हमें एजेंट के बारे में पढ़ना होगा। एजेंट क्या होता है? तो भारत में एजेंट की नियुक्ति, भारत में एजेंट कौन हो सकता है, उसकी नियुक्ति क्या है, उसके अधिकार क्या है, प्रधान कौन होता है जो उसे नियुक्त करता है, जिसे हम नियोक्ता प्रधान कहते हैं या मालिक भी कहते हैं। तो प्रधान, नियोक्ता या मालिक अपनी पॉलिसी को, अपने को कार्य को या तृतीय पक्षकार से संपर्क रखने के लिए एक कड़ी के रूप में एजेंट की नियुक्ति करता है। तो प्रधान और एजेंट के बीच संबंधों का नियमन एजेंसी कानून के अनुसार हुआ है। एजेंसी कानून के प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1882 के अनुसार धारा 182 से लेकर 238 में दिए गए हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 से लेकर 238 के बीच, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 से लेकर 238 के बीच बीमा एजेंट या एजेंट, उसके कार्य, उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो एजेंसी, एजेंट और प्रधान के बीच बताया गया है। धारा 182 कहती है एजेंट क्या है। एजेंट जिस व्यक्ति के लिए कार्य करता है, एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे प्रधान के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा, मालिक के द्वारा किसी कार्य को करने या तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार करने के लिए, संपर्क रखने के लिए एक कड़ी के रूप में नियुक्त किया जाता है। धारा 182 बेटा बहुत ध्यान से पढ़नी, आपको ये समझनी भी। आपको धारा 182 क्या कहती है, एजेंट कौन होता है बेटा। एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे किसी प्रधान के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा, मालिक के द्वारा तृतीय पक्षकार से संपर्क कड़ी के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह अपने प्रधान, नियोक्ता, मालिक के निर्देशानुसार काम करता है, या जिसे प्रधान या मालिक द्वारा तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार करने के लिए और अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एजेंट जिस व्यक्ति या कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिस व्यक्ति या कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को हम प्रधान, नियोक्ता या मालिक कह सकते हैं। उसे हम प्रधान या नियोक्ता या मालिक कह सकते हैं। तो एजेंट को जिस व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाता है, एजेंट को जिस व्यक्ति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे हम प्रधान, नियोक्ता या मालिक कहते हैं। तो धारा 182 के अनुसार एजेंट जिस व्यक्ति के लिए कार्य करता है, एजेंट जिस व्यक्ति के लिए कार्य करता है, उस व्यक्ति को बेटा प्रधान भी कह सकते हैं, नियोक्ता भी कह सकते हैं या मालिक भी कह सकते हैं। प्रधान, नियोक्ता या मालिक। तो धारा 182 क्या कहती है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, याद करनी है आपको। धारा 182 कहती है बेटा कि एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे प्रधान के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा, मालिक के द्वारा तृतीय पक्षकार के साथ संपर्क रखने के लिए उसे प्रधान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार एजेंट, एजेंट कौन होता है, अपने प्रधान एवं तृतीय पक्षकार के बीच मध्यस्थ कड़ी का काम करता है। एजेंट अपने प्रधान, अपने मालिक, अपने नियोक्ता द्वारा दिए गए, एजेंट अपने प्रधान, अपने मालिक, अपने नियोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। तो एजेंट क्या होता है, एजेंट अपने प्रधान, अपने मालिक के निर्देशों के अनुसार अपनी सीमा के भीतर रहते हुए कार्य करता है। एजेंट कौन नियुक्त करता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जिसे अनुबंध करने की जिसमें क्षमता हो, जो अनुबंध करने की क्षमता या अनुबंध कर सके,
ऐसे व्यक्ति को एजेंट को नियुक्त करने का अधिकार होता है। एजेंट की नियुक्ति प्रधान मालिक या नियोक्ता करता है। तो प्रधान मालिक और नियोक्ता कौन हो सकता है? जिनमें अनुबंध करने की क्षमता हो। अतः कोई भी ऐसा व्यक्ति अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है भी नियुक्त अपना एजेंट? सभी वयस्क व्यक्ति। सभी वयस्क व्यक्ति अपना एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। सभी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। सभी वयस्क व्यक्ति अपना एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। सभी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति जिनका दिमाग है वो मेंटली स्टेबल हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो। सभी ऐसे व्यक्ति जिन्हें देश के किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। देश के कानून द्वारा जिन्हें पागल दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है और मालिक या नियोक्ता या प्रधान बन सकता है। अतः निम्नलिखित व्यक्ति अपना एजेंट है वो नियुक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित कोई भी व्यक्ति अपना एजेंट है वो नियुक्त कर सकते हैं। कौन नियुक्त कर सकता है बेटा? सभी वयस्क व्यक्ति अपना एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। सभी मानसिक रूप से स्वस्थ यानी पागल नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। पागल व्यक्ति का कोई एजेंट थोड़ी होता है। सभी ऐसे व्यक्ति जिन्हें देश के किसी भी कानून के द्वारा पागल दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति कानून द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा भी की जा सकती है। एजेंट की नियुक्ति कानून द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। इसी कारण निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। किसी भी निम्नलिखित व्यक्ति के द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। किसी भी कंपनी के द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायालय के द्वारा भी संरक्षक द्वारा नियुक्त हो सकता है। कई प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से एजेंट की नियुक्ति कई प्रधानों, कई नियोक्ताओं और कई मालिकों के द्वारा संयुक्त रूप से अपना एक एजेंट है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो किसी भी निगम या कंपनी के द्वारा एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। कई प्रधान, नियोक्ता या मालिक मिलकर भी संयुक्त रूप से एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, प्रधान और तृतीय पक्षकार के बीच मध्यस्थ या संपर्क कड़ी का कार्य है वो एजेंट करता है। कौन एजेंट बन सकता है? तो हमने धारा 182 के अनुसार नियोक्ता, प्रधान या मालिक द्वारा एजेंट नियुक्ति के बारे में पढ़ा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो एजेंट बन सकता है? तो धारा 184 कहती है, धारा 182 नहीं, धारा 184 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो अथवा नहीं, सभी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। अतः एस वयस्क जो 18 साल से छोटा है, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। अवयस्क जो 18 साल से छोटा है, जो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति है थोड़ी कमजोर है, ऐसा व्यक्ति भी एजेंट नियुक्त हो सकता है। इसी कारण एजेंसी की स्थापना करने के लिए ठहराव, जिसे हम अनुबंध कहते हैं, ठहराव का होना पर्याप्त है। यानी कि वैचारिक दृष्टि से उनके बीच सहमति का होना आवश्यक है। किंतु किसी भी, लेकिन आपको पता है, किसी भी अवयस्क व्यक्ति जो छोटा है, बालक है या कोई पागल है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि हम एजेंट नियुक्त करते हैं तो एक तरीके से ये तो रिस्क भरा काम ही हो गया ना। इसमें जोखिम ज्यादा होता है, एक तरीके से मुश्किल कार्य है बेटा, ये एक तो मुश्किल कार्य है। ऐसे व्यक्ति को एजेंट हम बना तो देंगे लेकिन उनके द्वारा सही कार्य संपादित किए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यदि कोई अल्प वयस्क या कोई पागल व्यक्ति या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति एजेंट तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदि हम एजेंट बनाना चाहें तो खतरा तो है ही, खतरे की संभावना तो रहती है बेटा। ऐसे में ऐसा करने से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। ऐसा एजेंट गलत कार्यों के लिए प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ऐसा एजेंट जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है
या अवयस्क है, वो गलत कार्यों के लिए प्रधान की प्रतिनिधि उत्तरदायी नहीं होता। प्रधान ऐसे एजेंट के लिए किए गए कार्यों के लिए तृतीय पक्षकार की प्रति स्वयं उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसने प्रधान की ओर से कार्य किया है। तो प्रधान की ओर से वो तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसे प्रधान ने ही तो नियुक्त किया है। एजेंट की नियुक्ति अपने आप थोड़ी होती है, प्रधान उसे नियुक्त करता है। अब हम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और कई बार प्रश्न परीक्षा में आ भी चुका बेटा, कई बार प्रश्न है वो ये आ भी चुका है कि एजेंट को हम नौकर कहें या नौकर को एजेंट कहें, क्या इनमें दोनों में अंतर होता है क्या? बताइए आप, एजेंट और नौकर में अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है, एजेंट अलग है, नौकर अलग होता है। क्या हम एजेंट को नौकर या नौकर को एजेंट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट के अनुसार एजेंट और नौकर के मध्य अंतर है। एजेंट को यदि कोई मालिक, नियोक्ता या प्रधान एजेंट नियुक्त करता है तो तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध करने के लिए उसे फीस मिलती है या कमीशन मिलता है, जबकि नौकर होता है जो घर में काम करता है उसको वेतन मिलता है, उसका निर्धारित वेतन होता है, अभी 5,000, 6,000, 10,000 रुपये उसे निर्धारित होता है, जबकि एजेंट की फीस या कमीशन है वो निर्धारित नहीं होता, वो बीमित की संख्या पर निर्भर करता है, बीमित की संख्या और पॉलिसी की जो राशि है उस पर उसका कमीशन है वो निर्धारित होता है। एजेंट कभी भी नौकर नहीं बन सकता, कोई भी एजेंट है वो नौकर नहीं बन सकता, जबकि नौकर कई बार एजेंट हो सकता है, नौकर है वो एजेंट का काम भी कर ले, लेकिन एक एजेंट कभी नौकर नहीं हो सकता। एजेंट है वो नियोक्ता या प्रधान या मालिक की ओर से तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध करने स्थापित कर सकता है, लेकिन नौकर ऐसा नहीं कर सकता। तो तीन अंतर तो यहीं पे दिख रहे। पहला पहला अंतर क्या है बेटा? एजेंट का जो पारिश्रमिक होता है वो फीस या कमीशन होती है, जबकि नौकर को वेतन मिलता है। एजेंट कभी भी नौकर नहीं हो सकता, लेकिन नौकर एजेंट हो सकता है। एजेंट को उसके नियोक्ता, मालिक या प्रधान की ओर से तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जबकि नौकर ऐसा नहीं कर सकता। एक बीमा अभिकर्ता वह महत्वपूर्ण माध्यम है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इसको आपको रटना है, अच्छे से याद करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या VVIMP वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ही आपका। तो भारतीय उच्च न्यायालय के अनुसार नौकर और एजेंट के बीच में अंतर बताया गया है। एजेंट को पारिश्रमिक है वो उसकी बीमा पॉलिसी, बीमितों की संख्या, बीमा पॉलिसी की राशि पर निर्भर करता है, और उसे जो पारिश्रमिक है वो कमीशन या फीस के रूप में मिलता है, जबकि नौकर होता है उसको पारिश्रमिक का वेतन के रूप में दिया जाता है। भाई कितने में नौकर आपने निर्धारित किया है? 5,000, 10,000, 15,000 रुपये में अपने नौकर निर्धारित किया है, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिल सकता। एजेंट कभी भी, कोई भी एजेंट है वो नौकर नहीं बन सकता, लेकिन कोई भी नौकर है वो एजेंट का भी काम कर सकता है, क्या दिक्कत है उसे? एजेंट को नियोक्ता की ओर से तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध स्थापित करने के लिए या अनुबंध संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन नौकर ऐसा कदापि नहीं कर सकता। एक बीमा अभिकर्ता वह महत्वपूर्ण माध्यम है, अभिकर्ता जिसे हम एजेंट कहते हैं, संपर्क सूत्र है जिसके द्वारा बीमित और बीमाकर्ता के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो एजेंट कौन होता है? जो बीमित और बीमाकर्ता के बीच में संपर्क कड़ी का काम करता है। बीमा कंपनी में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीमितों को खोजते हैं, बिल्कुल खोजना चाहिए, नए नए अपने बीमित को खोजना चाहिए, बीमा करवाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें तैयार करके निगम तक पहुंचाते हैं और उन्हें बीमा सेवा प्रदान करते हैं। बीमा एजेंट के बिना बीमा कंपनियों का कार्य तो बिल्कुल ठप हो जाता है। बीमा एजेंट बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने आपको जैसे सीनियर के बच्चों को आपको बताया भी था, एक बीमा एजेंट के रूप में, एक बीमा अभिकर्ता के रूप में आप कार्य कर सकते हो, एक नया रोजगार का अवसर है बेटा ये। तो बीमा एजेंट कौन होता है बेटा?
जो बीमित और बीमाकर्ता के मध्य संपर्क कड़ी का काम करता है। बीमा कंपनियां वो ऐसे कार्य करता है जो जीवनों या बीमितों को खोजते हैं, बीमा एजेंट होते हैं, अपने बीमितों को खोजते हैं, उन्हें नई नई बीमा पॉलिसी के बारे में समझाते हैं, उन्हें नई नई बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें बीमा कार्यालय तक लाते हैं। यदि बीमा एजेंट नहीं हो तो बीमाकर्ताओं के कार्य या बीमा कंपनी है वो तो फ्लॉप हो जाएगी, बिल्कुल ठप हो जाएगी उनका कार्य। तो बीमा एजेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, एक रोजगार का उभरता हुआ अवसर है। तो हमें भी बीमा एजेंट के रूप में रोजगार के नए अवसरों को तलाश करना चाहिए। तो बीमा कराने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, निगम तक लाते हैं और बीमा सेवाएं प्रदान करते हैं। तो बीमा एजेंट के बिना, मैंने आपको बताया, बीमा कंपनी का पूरा व्यवसाय ठप हो जाएगा। सामान्य अर्थ में बीमा एजेंट बीमाकर्ता द्वारा लाइसेंस प्रतिनिधि होता है जो बीमा के व्यवसाय को चालू रखने, उसका नवीनीकरण करने और पुनर्संचालन से संबंधित कमीशन या पारिश्रमिक के बदले कार्य करने के लिए सहमत हो जाता है। तो बीमा एजेंट बीमाकर्ता के द्वारा नियुक्त होता है, प्रतिनिधि होता है। तो बीमा एजेंट कौन होता है बेटा? जो बीमित और बीमाकर्ता के बीच संपर्क सूत्र, संपर्क कड़ी का काम करता है, जो बीमा कर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और बदले में पारिश्रमिक के रूप में फीस या कमीशन प्राप्त करता है। तो बीमा एजेंट के रूप में मैंने आपको आज महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताया है। बीमा एजेंट बीमाकर्ता द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्रतिनिधि होता है जो बीमा के व्यवसाय को चालू रखता है, उसका नवीनीकरण करता है और बीमित के साथ संपर्क कड़ी या बीमित और बीमाकर्ता के बीच संपर्क कड़ी का कार्य करता है और अपने पारिश्रमिक के रूप में अपना कमीशन या फीस प्राप्त करता है। तो बेटा आज मैंने आपको बीमित और बीमाकर्ता के बारे में बताया है, इसको आपको लिखना है और ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको ये जरूर लिखना है। एजेंट और नौकर में तीन अंतर, एजेंट या नौकर में तीन अंतर, इनको लिखना बेटा, आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।